नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने लखनऊ में सस्ते दाम पर आटा, दाल, चावल और प्याज की 30 गाड़ियों का काफिला 1090 चौराहे से रवाना किया। मंत्री का कहना है कि जब तक सब्जियां, दाल, चावल और आटा सस्ता नहीं होता, यह अभियान जारी रहेगा। इसमें 30 गाड़ियां शहर के अलग अलग इलाकों में प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक चलेंगी और लोगों को सस्ते दर पर सामान मुहैया कराएंगी। लखनऊ के बाद यह अभियान बनारस और अन्य शहरों में शुरू होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़ा बजट आया है। मंत्री ने यूपी में हो रहे उपचुनाव में सपा मुखिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इस वजह से इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। आज उपचुनाव हो रहा है और भी कई प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव का जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दोनों पार्टियों में घमासान था, उसका जो परिणाम है वो तो बाद में आएगा, लेकिन इसका जो असर है 2027 तक रहेगा। मंत्री जी क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी कई आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हारने वाले लोग क्या करेंगे, आरोप ही लगाएंगे। उन्हें पता है कि हार निश्चित है, कमल खिलने जा रहा है। पहले से उन्होंने पहले रोना रोने दे सकते हैं, ईवीएम का रोना रोएंगे, प्रशासन का रोना रोएंगे, कुछ और रोना रोएंगे, तो उनका काम तो रोना है। वो कई बार बुरका हटा करके वोट कहते पढ़ने दीजिए, वो फर्जी पोजिशन होने दीजिए। तब मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए अपनी सारी व्यवस्थाएं करता है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। कटहरी में लालजी वर्मा ने कई आरोप लगाए हैं कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो बूथ से वापस चले जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर हमारे कोई कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके साथ समस्या खड़ी करते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इजी गोइंग वोट डालने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे। ये काम समाजवादी पार्टी के शासन में होता था, वहाँ बूथ कैप्चरिंग होती थी और कैसे गुंडई होती थी, लेकिन अब चाहे वो योगी जी का शासन हो या मोदी जी का शासन हो, सबका साथ सबका विकास, और मैं कहूँगा कि सभी के लिए निष्पक्ष तरीके से अवसर मिलता है और वोटिंग का अधिकार, मत का अधिकार सबका है, और सब अपनी ईमानदारी से वोट डालने का काम। मंत्री जी आप उपभोक्ता से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ रही महंगाई की जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी आपने दिल्ली में लॉन्च किया और यहाँ उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं, तो जो लोग हैं, जो बेसिक नीड है, उसमें बहुत सारी जो किचन की चीजें हैं काफी महंगी हो जा रही हैं, जिसका सामंजस्य बना पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसके लिए क्या रणनीति अपना रहे हो, किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। पहली चीज तो यह है कि महंगाई शब्द आप कहते हैं, ये विपक्ष का शब्द है। 2014 से पहले की महंगाई देखेंगे तो डबल डिजिट में होती थी, अब महंगाई 5-6 पर टिकी रहती है एवरेज आप देखेंगे। तब मैं कहूंगा कि महंगाई न बढ़े उसे पहले ही भारत सरकार संज्ञान लेती है, और हमारा मंत्रालय आज NCCF और केंद्रीय भंडार और NAFED के द्वारा ये चाहे भारत आटा हो, भारत चावल हो, भारत दालें हो या प्याज हो, इनकी बिक्री का काम सस्ती दरों पर करना शुरू कर दिया है। अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस तक अभी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, क्या उसके लिए भी कुछ करेंगे। सरकार एक एक चीज का संज्ञान लेती है और जब जब आवश्यकता लगती है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट रहती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार बहुत सारी जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, उस पर ध्यान रख रही है, और आज से लखनऊ में ये सस्ते दर पे आटा, चावल, दालें उपलब्ध कराई है मंत्री जी ने, इससे पहले दिल्ली में, और अब इसके बाद वाराणसी और अन्य शहरों में भी इसकी व्यवस्था करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।